हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से एक मेकअप वीडियो लेके आ गई हूँ। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो पहला स्टेप है वो मैं लूँगी ये रूस टोनर गुड वाइब्स का। ये बहुत ही अच्छा है। बस ये बॉटल ख़त्म होने वाली है, मैं दूसरी भी मंगाने वाली हूँ। तो टोनर है जो हमारे पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, वो आप लोगों को पता ही है। अब तक तो आप लोग जान ही गए होंगे। हाँ, बट जो मेरे चैनल पे न्यू हैं ये उनके लिए है, या जिनको नहीं पता है वो उनके लिए, जिनको पता है तो और कोई बात ही नहीं है। एंड ये रोज़ हिप्स गुड वाइब का सीरम, ये बहुत ही अच्छा है। इसे आप डेली यूज़ कीजिए, आपके फेस में ना एक अच्छा वाला ग्लो आ जाएगा। मतलब आप खुद ही इसका रिज़ल्ट देखेंगे, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको 2 से 3 ड्रॉप लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और इसको अच्छे से हल्के हाथों से हम मसाज कर लेंगे, और 2 मिनट के लिए इसको मसाज करने के बाद छोड़ देंगे। फिर उसके बाद मैं अपने यूज़ कर रही हूँ ये मॉइस्चराइज़र क्रीम निविया की, मेरी इस टाइम फेवरेट बनी हुई और बहुत ही अच्छी है। तो मैं मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। आपको पता है हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, तो बिल्कुल इस चीज़ को ना भूलें। और मैं यहाँ बातें भी कर रही हूँ और मेकअप वीडियो भी बना रही हूँ, और आप लोगों को आवाज़ हो रही है, बच्चे खेल रहे नहीं मानते हैं, तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। और आज मैं करने वाली हूँ ये है हाइलाइटर है, और ये ब्लू हेवन का फाउंडेशन है। दोनों को आज मैं मिक्स करके, एक स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर बहुत ही अच्छा है, तो इन दोनों को मिक्स करके मैंने फेस पे इसको ब्लेंड कर लिया। बहुत ही अच्छा है, एक चेहरे पे ना अलग से शाइनिंग, एक मतलब अच्छे वाला लुक आ जाएगा, जो एक पार्टी वेयर में हमको चाहिए। तो आप ये लुक पार्टी में कर सकते हैं, एज इंडियन वेडिंग एस मेकअप लुक में भी, मतलब अगर आप किसी की शादी में जा रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, तो मैंने क्यों हाँ सोचा क्यों ना आज थोड़ा मतलब हट के किया जाए। इस को मिला के जब मैंने लगाया, तो आप खुद ही देख लीजिए आप लोगों को कितना अच्छा मतलब रिज़ल्ट दिखेगा, कितने चेहरे पे ना एक इतनी अच्छी शाइनी शाइनी वाला फेस हो गया है। इस बार मतलब ग्लैमरस लुक आ गया है ना। इतना सा फाउंडेशन, मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन और थोड़ा सा ये हाइलाइटर मिक्स करके यूज़ किया। ये बहुत ही अच्छा स्विस ब्यूटी का है, और मैं इसको यूज़ करती हूँ मोस्टली, मुझे बहुत पसंद है ये। तो आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते, बहुत ही अच्छा है। और इसे मैंने नेक पे भी लगा लूँगी, क्योंकि हमारा फेस और नेक का जो कलर वो सेम ही होना चाहिए, तभी अच्छा लगता हमारा मेकअप। और ये देखिए, मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और जो प्राइमर था वो मैं जब लगा रही थी तो वीडियो पॉज पे थी, तो आप उसको प्राइमर प्लीज़ आप मॉइस्चराइज़र के बाद प्राइमर ज़रूर लगाएं। और मैं ये फिट में जो मेबलिन फिट मी है कॉम्पैक्ट, इससे ना मेकअप ये सेट कर लूँगी मैं। मैंने आज कंसीलर नहीं लगाया, इसलिए मैं आपको एक अच्छा सा ग्लोई मेकअप दिखाऊंगी। प्राइमर बिल्कुल भी ना भूलें, कि मैंने आपको बोला कि मेरी वीडियो पॉज हो गई थी, मैंने कर रखी थी, बात कर रही थी, तो मैंने वो उस टाइम लगा लिया था। तो आप प्राइमर ज़रूर लगाएं मॉइस्चराइज़र के बाद, बिल्कुल ना भूलें। तो एक बार मैं अपने ना बेस को सेट कर लूँगी, ताकि लॉन्ग लास्टिंग रहे। आपको अगर बाहर जा रहे हो, मेकअप कर रहे हो, लंबे टाइम के लिए जाना है, तो बिल्कुल ये 2 बार करे स्टेप ज़्यादा अच्छा है। एंड देन इसके बाद मैं अपनी आईब्रो हल्का से फिल कर लूँगी ब्राउन शेड से। एंड जो आज का मेकअप है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मैंने नहीं कुछ ऐसा किया, बस आप लाइट में ही ना कैसे अपने फेस को एक अच्छा मतलब लुक दे सकते हैं, मतलब एक अच्छा पार्टी वेयर मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता है साड़ी में भी आप कितने प्रिटी दिख सकते हो, और साड़ी मुझे वैसे बहुत पसंद है, तो मैं साड़ी में ही कुछ एक ट्रेडिशनल से हट के थोड़ा सा मेकअप करने की कोशिश कर रही हूँ, जो पार्टी वेयर है। आपको पता ही है आजकल आप लोग सीरियल देखते हो, लोग साड़ियों में भी कितने ग्लैमरस और इतना अच्छा लुक नज़र आता है, तो आप वैसा कर सकते हो। और अपनी आईब्रो फिल कर लीजिए आप अच्छे से, जैसे आपकी आईब्रो अगर कम है तो आप ब्लैक यूज़ कीजिए, मेरी ठीक ठीक है, तो मैं ब्राउनी शेड यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर ब्लैक यूज़ करूँगी तो वो ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल लगती है। तो बिल्कुल मैं इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। तो आई वॉन्ट टू से कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर एंड लाइक ऑल्सो। एंड देन ये मेरी आईब्रो भी फिल हो गई है अच्छे से। अब मैं ये डार्क शेड ले रही हूँ ट्रांजिशन कलर, ज़्यादा मैं आई शेडो भी यूज़ नहीं कर रही। और ये वेट एंड वाइल्ड का पैलेट है, बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है, इसमें बहुत सारे शेड है इसके और भी हैं, तो ये बहुत ही अच्छा, इतना पिगमेंटेड है कि मैं आपको क्या बताऊँ, रिजनेबल प्राइस। और इसको मैंने
अच्छे से लगा लिया है। और इसको मैं ना ज़्यादा, मैं आज कोई कलर यूज़ नहीं करने वाली, तो मैंने इसको आईलेट पे भी लगा लिया है। तो मैंने ऐसा इस प्रॉपर कोई एक अलग से ट्रांजिशन कलर नहीं लिया कि जिससे मुझे दूसरा कलर यूज़ करना पड़े। एक बार मैंने ब्राउन शेड ही लिया है, और ये मैं दोनों आईज पे अच्छे से इसको लगा लूँगी आई शेडो। एक फ्लफी ब्रश की मदद से आप लगा ली, धीरे धीरे चीज़ें सबको आ जाती है। तो बस आज एक छोटा सा एफर्ट है कि छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, ये मैंने ब्राउन लगा लिया। एंड देन आज मैं लाइनर नहीं, ये फेस कैनेडा का काजल है, इसको थोड़ा सा हल्का सा मैं थिक लगाऊंगी। मैंने जैसा बोला कि थोड़ा सा अलग करें, तो इसको मैं ना स्मर्च करूँगी थोड़ा सा ना हल्का सा फ्लफी ब्रश की मदद से। तो मैं इसको स्मर्च करूँगी। पहले मैंने दोबारा काजल लगाया, फिर इसको मैं स्मर्च कर रही हूँ। ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं करना, हल्के से। ये देखिए एक लाइनर वाली जो शेप आ गई है, तो मैंने कुछ ऐसे ही करने की कोशिश की। और बच्चे पीछे से चिल्ला रहे हैं, तो उनका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जबकि मैंने बोला था, फिर भी वो चिल्ला रहे हैं। तो ऐसे ही मैं अपनी दूसरी आईज़ को भी कर लूँगी, एक अलग सा लुक क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो बस ऐसे ही मैंने दोनों स्मर्च कर लिया। ये देखिए, मतलब एक लाइनर वाली शेप आ गई है। एंड देन इसी में से मैंने ये ब्लूइश तो नहीं कह सकते, डार्क, हाँ डार्क ब्लूइश ग्रेइश जो कलर का है, तो बस मैंने इसको आईलिड पे लगाना है। तो ये फिंगर टिप्स की मदद से ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं, बस मैं ब्लूइश में ही है, ब्लूइश और ग्रेज मिक्स कर सकते हैं, वो कलर है। तो मैं इसको आईलिड पे अच्छे से मैं लगा लूँगी। एक ये देखिए, एक आई का ना सिंपल और कितना ग्लैमरस वाला लुक लग रहा है, और कितना अच्छा लग रहा है। तो इसको आप, बहुत इजी है ना ये वाला आई मेकअप लुक। तो यही सोच के मैंने ये मेकअप वीडियो बनाई है कि आई थिंक किसी और को ये करना है तो बहुत इजीली वो इतना अच्छा मेकअप लुक क्रिएट कर सकता है, बस थोड़ी सी चीज़ों में, ज़रूरी नहीं है बहुत सारा लगा के। तो आप इसको ऐसे करके, ये देखिए एक आँखों का ना एक अलग ही मेकअप लुक हो गया। एंड देन मैं नीचे भी है ना ब्राउन शेड ले लूँगी। मैंने जो ब्राउन शेड का आई शेडो लिया था, मैंने सेम उसी से इसको मैं वाटर लाइन पे भी लगा लूँगी अच्छे से, ताकि ये अच्छे से ऐसे आपको थोड़ा सा थिक सा लगाना है। ये देखिए एक गायाना लुक, बहुत ही प्रिटी लुक है ये, आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं। ऐसे ही मैं अपनी दूसरी आईज पे भी लगा लूँगी, और इसको हल्के हल्के सा स्मज कर दूँगी। ये देखिए, मतलब एक डिफरेंट लुक नज़र आया। एंड देन अब ये सिल्वर कलर, वाइट कलर सिल्वर, तो इसको मैं इनर कॉर्नर पे लगाने जा रही हूँ, इस हाइलाइटर को, या आई शेडो हाइलाइटर, जैसा भी आप यूज़ कर सकते हैं उसे। ये देखिए कि मतलब, और ये मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ आज, मैं कोई फॉल्सेस यूज़ नहीं कर रही। एंड मैं आपको एकदम सिंपल और ग्लैमरस वाला मेकअप लुक क्रिएट करके दिखा रही हूँ। चाहे तो आप जो लाइट वेट लाइट होती है, आप वो आईलेसेस लगा सकते हैं। अगर आप, मुझे लगा कि ठीक है मेरी आईलेसेस ठीक ठाक है, तो मैंने नहीं लगाया, तो अच्छा लग रहा है। एंड देन इसके बाद मैं कॉन्ट्रोरिंग कर रही हूँ। ये NYBE का है, बहुत ही अच्छा, रिजनेबल प्राइस भी है। तो कॉन्ट्रोरिंग करने से क्या होता है, आपका एक फेस का लुक अलग से हो जाता है, अच्छा लगता है, कट हो जाता है। आपकी नोज़ पतली, अगर किसी की लग रहा हो कि वो नहीं है इवन, तो आप इससे करके आप कर सकते हैं अच्छे से। अब इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि वो अच्छे से हो जाए। तो कॉन्ट्रोरिंग ज़रूर करें आप, अगर आपको एक अच्छा मेकअप लुक चाहिए तो बिल्कुल इस चीज़ को ना भूलें और अच्छे से करें। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती होगी। एंड देन ये मेरा कॉन्ट्रोरिंग पार्ट भी डन। और आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसी लग रही है मेकअप। और ये ब्लू हेवन का ब्लश है, और मैं इसको ब्लश लगा लूँगी हल्का। एंड प्लीज़, और किस टाइप की मेकअप वीडियो देखना चाहते हैं, और मैंने इसमें से रेवलेशन के हाइलाइटर पैलेट में से ये हाइलाइटर यूज़ किया है। हाइलाइट करना बहुत ज़रूरी है, जिस पार्ट को हम करते हैं उसको करना बहुत ज़रूरी है। एंड आप प्लीज़ मुझे बताना आप लोगों को और किस टाइप की मेकअप की वीडियो देखनी है, आप किस टाइप की वीडियो दिखाना देखना चाहते हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता। और ये ब्लू हेवन की लिपस्टिक, ये बहुत ही प्यारा पिंक शेड है, पिंक, हाँ पिंक शेड ही लग रहा, और बहुत ही प्यारा। मैंने डार्क शेड ही यूज़ किया, क्योंकि मैंने मेकअप थोड़ा लाइट, मैंने सोचा लिपस्टिक थोड़ी डार्क ना, मतलब एक, और एक बहुत ही अच्छा। और ये पीछे से
बच्चे आप जानते हो घर में चीज़ का, छोटे बच्चे तो उसके साथ तो ये होता ही। मैं अकेले कोई काम शांति से तो कर ही नहीं सकती। और ये मैंने लगाई है लिपस्टिक, और उसके बाद मैंने किया अपना मेकअप सेट, और मैं आपको साड़ी वेयर करके दिखाती हूँ। और ये मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वेयर करी है, तो आप इस टाइप की कुछ ज्वेलरी वेयर कर सकते हैं। इस टाइप पे आप ऐसा पार्टी वेयर मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। और बस सिंपल सी हेयर स्टाइल है, एक मैसी सा बर्न बना लीजिए सिंपल सा, और आगे से बस थोड़े से हेयर ऐसे निकाल दीजिए, तो ये अच्छी सी हेयर स्टाइल क्रिएट हो जाएगी। तो बहुत ही ईजी है, तो आप लोग कर सकते हैं। मेकअप लुक बहुत ही मतलब ग्लैमरस लुक आप लोगों को देने वाला है। और आज मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करूं, तो कुछ ऐसा ही मैंने बनाया। मैंने लैस फॉल्सेस जो लैसेस होती हैं उनका यूज़ नहीं किया, लाइनर नहीं लगाया, मैंने कुछ काजल नहीं लगाया, बट मैंने एक सिंपल सा मतलब सिंपल में ही कुछ डिफरेंट मेकअप लुक क्रिएट किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और ये ज्वेलरी मैंने मीशो से मंगाई थी, मैंने अपने हॉल में शेयर भी किया था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कैसी लगी ये आज की कुछ डिफरेंट मेकअप लुक वाली वीडियो, बहुत ही सिंपल, ज़्यादा कुछ ऐसा आपको आइस में करना भी नहीं था, बट यस यू लुक गॉर्जियस एक सिंपल से मेकअप लुक में। और एक सिंपल सी वेयर मैंने ये साड़ी की है ब्लू कलर की, और जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने फोटोज में दिखा दी आप लोगों को मेरी साड़ी, बहुत ही सिंपल है। और सिंपल में भी आप कितने ग्लैमरस, कितने हॉट, कितने अच्छे दिख सकते हैं। ये एक सिंपल सा मेकअप लुक था और सिंपल में भी बहुत कुछ था। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बताएं मुझे आप लोगों को कैसी लग रही है मेरी वीडियोस। तो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, जो भी आएगा, मैं कुछ डिसाइड करके नहीं रखती। वीडियोस तो मैं बहुत बना के रख देती हूँ कि हाँ ठीक है, किसी दिन मूड ना हो ना बना पाए, तो आप लोगों तक ऐसा ना हो कि वो चीज़ एक जो कहते हैं ना कॉन्टिन्यूसली एक कनेक्शन बना होता है, कि डेली किसी को एक वेट होता है कि मेरी आपकी वीडियो आएगी आएगी, और फिर वो, तो इसलिए मैं पहले से भी बना के रख देती हूँ। देखो हार्डवर्क तो हम लोग बहुत करते हैं, नो डाउट, इसमें कोई वो नहीं है, बिना मेहनत के तो नहीं होता। आप लोगों को भी पता है, जो और भी यूट्यूबर हैं वो सब हार्डवर्क करते हैं। तो बस ज़्यादा बकबक नहीं करते, तो चलते हैं, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।